बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले दोबारा से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री नालागढ़ उपमंडल के 2 दिवसीय प्रवास पर, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ को करोड़ों की दी सौगातें। सलमान खान की विंग ह्यूमन संस्था लगाएगी चिकित्सा शिविर, कैंप के शुभारंभ मौके पर सलमान खान करेंगे शिरकत। छोटी काशी मंडी में गणेश उत्सव की शुरुआत, डीसी मंडी ने प्राचीन गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना। महाविद्यालय बासा में नई उमंग के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस, अध्यापकों के सहयोग के बिना जीवन का सफर अधूरा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस एक दिवसीय दौरे के दौरान सीएम वीरभद्र सिंह ने छाड़ माजरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले भूमिहीनों को भूमि और जिनके पास मकान नहीं है उनको सरकार अपना मकान देगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत बटोली कला के हनुमान मंदिर झाड़ माजरी में आयोजित जनसभा में कार्यकर्ता के एक बोल ने मुख्यमंत्री का मूड खराब कर दिया और बिना कुछ कह दिए ही मुख्यमंत्री जनसभा से किनारा कर गए। जनसभा में सबसे आगे बैठे एक कार्यकर्ता के बद्दी को कुछ भी दे दो से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बढ़ गए और कहा कि बद्दी को एक कॉलेज, दर्जनों नए स्कूल, करोड़ों रुपए की पेयजल योजनाएं, BVN वो अन्य माध्यम से करोड़ों रुपए की सड़कें व टूल रूम समेत इतना कुछ दिया तथा आप लोग कहते हैं कि बद्दी को कुछ भी नहीं दिया। पंजाबी भाषा की बद्दी को क्या कहते हैं? बद्दी में हो रहा है आपको नजर नहीं आ रहा है? मैं तो फंक्शन में हूँ राजस्थान में। बद्दी में हो रहा है आपको नजर नहीं आ रहा है? मैंने कहा कि सब कुछ हो गया है मगर ये तुम ऐसा कह रहे हो जैसे कि आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, कर दो कुछ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे लिए पूरा हिमाचल एक समान है, वो एक जमा दो स्कूल खोलने के लिए करोड़ों रुपए के करीब खर्चा आता है और मैं ऐसे में सभी स्कूल बंद कर दूंगा जहां बच्चों की संख्या 20 से कम होगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं, स्कूल जितने मर्जी मुझसे दो, वो पढ़ने वाले बच्चे होने के एक 10+2 को चलाने के लिए 1 करोड़ रुपए रखता सरकार का और पढ़ने वाले बच्चे होते 5-10। जितने भी बड़े पढ़ने वाले हैं जो अभी सरकारी भूमि पर झोंपड़ी लगाते रहते हैं, मैं आपको यह वचन देता हूँ सबको पक्के मकान बना के दिए जाएंगे और पढ़ने वाले हो 15 टीचर, पढ़ने वाले हो 5, तो वहाँ खुले हुए स्कूल है उनको भी बंद। आपके लिए नहीं है, सारे हिमाचल के लिए घोषणा है। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल की रिपोर्ट। इसी सितंबर महीने में सलमान खान की बीइंग ह्यूमन संस्था द्वारा मंडी में 5 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें सलमान खान भी शिरकत करेंगे। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस सचिव आश्रय शर्मा ने दी। प्रदेश कांग्रेस सचिव आश्रय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी समय में प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री व बीइंग ह्यूमन संस्था द्वारा मंडी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसका मूल उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस कैंप में मुंबई से डॉक्टरों की टीम आएगी जो लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस कैंप में हार्ट के मरीजों का भी उपचार किया जाएगा। जी सर, आज जो प्रेस वार्ता यहाँ पे मंडी में मैंने की है उसका मूल उद्देश्य ये है कि पूरे प्रदेशवासियों को जानकारी प्रदान की जाए जो हमारे आने वाले समय में एक कैंप मंडी में आयोजन किया जा रहा है। अनिल शर्मा जो ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, पशुपालन मंत्री हिमाचल सरकार व बीइंग ह्यूमन जो सलमान खान जी की संस्था है उनके आग्रह से एक कैंप यहाँ हिमाचल में और मंडी ज़िले में लगने जा रहा है
इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे कैटरैक की सेवा प्रदान की जाएगी, महिला जो हमारी मातृशक्ति है, जननी है, उनको गायनी की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए डॉक्टर मुंबई से स्पेशल आएंगे। यहाँ पे 5-6 दिन का कैंप लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें, इस सेवा का आनंद लें। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद जो लोग हैं पूरे प्रदेश के, वो यहाँ पे बढ़ चढ़ कर आएँ। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। सोमवार को देश और प्रदेश भर में अध्यापक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अध्यापक दिवस के मौके पर मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में भी सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व में रहे अध्यापकों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। सोमवार को 5 सितंबर का दिन टीचर दिवस के रूप में देश और प्रदेश में मनाया गया। इस मौके पर अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया गया और टीचर दिवस के मौके पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। टीचर दिवस के मौके पर वल्लभ महाविद्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व में रहे प्रोफेसर रमेश दत्त मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व प्रोफेसर रमेश दत्त ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और विद्यार्थी जीवन और अपने अध्यापन क्षेत्र के अनुभवों को साझा किया। टीचर दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान करने वाले पूर्व अध्यापकों को कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मैं टीचर से ये दरख्वास्त करूंगा, पेरेंट्स से, जो टीचर्स हैं उनके बच्चे हैं और आप जो स्टूडेंट पढ़े, आपके छोटे भाई बहन है, हमें आजकल वो बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं जो बहुत नंबर लें, 98%, 99%, जो मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जब पेपर होते हैं अपने बच्चे से, बेटा बेटी से ये सवाल पूछते हैं, आपकी परसेंटेज क्या है, आपकी बेटी कह रही है 96, तो दूसरा सवाल आपका होता है टॉप वाले के कितने आए, बच्चा कहता है 99, तो तीसरा सवाल आपको होता है आपके 99 क्यों नहीं आए। There is no not satisfied even 95. Your son or daughter is frustrated. क्योंकि मेरे भाई बहन तो 95 से भी कुछ नहीं है। और आप जिस बात का ध्यान रखना चाहिए, उस बात का कि उसमें सभ्यता कितनी आ रही है, कितनी refined character में कितनी हो रही है, उसकी आप तो कोई कोई पैरामीटर ही नहीं। आपके बहुत अच्छे नंबर आए, बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तान में ज्यादा नंबर वालों की कमी नहीं है भाई, डिफेंस हिंदुस्तान में अगर जरूरत है तो बहुत अच्छे आदमियों की है, बहुत बढ़िया आदमी बनो, किसी के दुख तकलीफ को समझो और उसमें उसका साथ दो, उसकी बहुत जरूरत है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। राजकीय महाविद्यालय बासा में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य सहित समस्त प्राध्यापकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर अर्चना ने देश के प्रथम शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला। राजकीय महाविद्यालय बासा में शिक्षक दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर अर्चना ने देश के प्रथम शिक्षक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन देश के राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था। इस मौके पर प्राचार्य आईडी शर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन का सफर आसान नहीं है, अध्यापकों के सहयोग के बिना यह सफर अधूरा है। समाज को नई दिशा देने के लिए गुरु का अहम स्थान रहा है और अंधेरे को दूर करने वाला तत्व गुरु ही होता है, तथा गुरुओं की याद हमें तभी आती है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं। उन्होंने कहा कि अध्यापकों का काम अपने शिष्यों को साक्षर करना नहीं है, बल्कि शिष्यों को शिक्षित कर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना अध्यापक का उद्देश्य होता है और आने वाला कल छात्रों पर निर्भर है। विद्यार्थी जीवन में बहुत से अध्यापकों का मार्गदर्शन मिल जाता है, परंतु हमारे पहले शिक्षक हमें जन्म देने वाले माता पिता ही होते हैं। तो इसलिए मना रहे हैं कि हम किन्हीं व्यक्तियों के प्रति अपना कृतज्ञता का भाव हम लोग दिखाना चाहते हैं। वी आर ग्रेटफुल एंड फॉर व्हाट?
फॉर बीइंग गाइडेड इन दिस मेजी पाथ ऑफ लाइफ। जिंदगी का जो रास्ता है वो कभी सीधा नहीं होता, लेकिन उसमें हमारा मार्गदर्शन करने वाले जो हमारे टीचर्स हैं स्कूल से लेकर आज तक, उन्होंने हमारा जो मार्गदर्शन किया है उससे हमें जिंदगी की पहेली को समझने में बहुत सहायता मिली है। लाइफ इज ए रिडल, इट इज ए जर्नी फ्रॉम वोम टू द टोम। माँ के गर्भ से लेकर जब तक इंसान खत्म नहीं हो जाता, ये जर्नी चलती रहती है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस बट वी हैव टू ग्रो, बट फॉर दिस वी नीड सम गाइडेंस। इस अवसर पर कॉलेज प्राध्यापक प्रोफेसर सुरीना, नेत्र सिंह वर्मा, शकुंतला, निशा, मोहनलाल, मोनिका, अनीता, वेद प्रकाश, सुदेश कुमारी, अजय शर्मा, परविंदर कुमार और अर्चना को छात्रों द्वारा सम्मानित किया गया। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. First polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. 5 सितंबर को देश भर में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस कड़ी में मंडी पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 5 सितंबर को एक बार फिर सारा देश भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इसी कड़ी में मंडी पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य ने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा है और उनकी मान्यता यह थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज में अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य ने शिक्षक दिवस पर गुरु की महिमा पर कुछ पंक्तियाँ कही। उन्होंने कहा कि एक विकसित, समृद्ध और खुशहाल देश व विश्व के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज कोई भी बालक 2 से 3 वर्ष की अवस्था में विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है। एक साथ क्या बनाया? एक तो पैर बना।
इस बचपन की अवस्था में बालक का मन मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। इस कोरे कागज रूपी मन मस्तिष्क में विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा शिक्षा के माध्यम से शुरुआत के 5 से 6 वर्षों में दिए गए संस्कार एवं वो उनके संपूर्ण जीवन को सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। रविवार की रात श्री माँ काली चामुंडा की जाग का आयोजन किया गया। जाग के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए और आशीर्वाद ग्रहण किया। जाग में माता के गुरु ने आग के अंगारों पर चलकर माता की शक्ति का प्रदर्शन किया। आइए आपको दिखाते हैं इस जाग की कुछ तस्वीरें। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए के चैनल के साथ। नमस्कार।